एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन में सैलरी कितनी होती है? क्या 5,000 होती है, क्या 10,000 होती है, क्या 15,000 होती है, क्या 20,000 होती है, क्या 50,000 होती है, क्या 1 लाख रुपया होती है? कितने सैलरी होती है दोस्तों? यदि आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसमें हम बताने वाले आप सभी के लिए, हमारे कुछ व्यूवर्स के द्वारा पूछे जा रहे थे बार बार कि बताइए कि एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन में जो सैलरी होती है, एसएससी एग्जामिनेशन के जो जॉब में उसमें सैलरी होती है, उसमें कितने सैलरी मिलते हैं हम लोग को। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे, मिलकर देखेंगे कि आखिर एसएससी एमटीएस में कितने सैलरी होती है, फाइनल सैलरी कितने मिलती है। पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे आपको, वीडियो को अंतिम तक देखना ना भूलें। लेकिन दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले करेंगे रिक्वेस्ट कि चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि एसएससी एमटीएस की पल पल खबर हम इसी चैनल पर डालते रहते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, बताएं आपको कि यदि आप सैलरी के विषय में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का सवाल नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर छोड़ें। सिंपल सा सवाल है, आज का सवाल बिहार की राजधानी क्या है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। इतने आसान सा क्वेश्चन अगर आप नहीं जान पाएंगे तो सैलरी तो भूल ही जाइए, क्योंकि सैलरी आपको मिलने वाले नहीं। क्योंकि बिहार की राजधानी अगर आपको नहीं मालूम है तो आप सैलरी आपको क्या मिलेगी, क्योंकि आपका एमटीएस में जॉब भी नहीं होंगे तो कहाँ से प्राप्त होंगे। इसलिए दोस्तों, सच में अगर एसएससी एमटीएस जॉब लेना चाहते तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़े कि इसकी सही आंसर क्या होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं कि एसएससी एमटीएस के जॉब में जो होते हैं वो कितने सैलरी इसमें मिलते हैं, वन बाय वन करके समझाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर, जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, एसएससी के एमटीएस में जो सैलरी होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, तो यहाँ पर कंप्लीट यहाँ बताएंगे। यहाँ पर एसएससी एमटीएस एग्जामिनेशन जॉब सैलरी, तो एसएससी एमटीएस एमटीएस जो कर्मचारी की महीने की तनख्वाह, इस बात पर निर्भर करती है कि उनकी पोस्टिंग किस स्थान पर हो रही, यानी कि इसमें अलग अलग जो है, अलग अलग सिटी में, अलग अलग डिपार्टमेंट में होते हैं। यदि आप नहीं जानते हैं कि किस डिपार्टमेंट में इसका जॉब होते हैं, कि हर डिपार्टमेंट में अलग अलग इसका सैलरी होते हैं, अलग अलग पेमेंट होते हैं, तो अगर आप नहीं जानते, अगर आपको नहीं मालूम है कि किस डिपार्टमेंट में जॉब होते हैं, तो नीचे कमेंट लेके हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि बताएं कि इस डिपार्टमेंट में ऐसे जॉब होते, इस डिपार्टमेंट में ऐसे जॉब होते, तो आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। सिर्फ सिंपल में नीचे कमेंट लिखे कि बताइए आप हमें कि किस डिपार्टमेंट में जॉब होते, एसएससी के एमटीएस कैंडिडेट जो होते, एसएससी के कैंडिडेट जो एसएससी जो क्वालिफाइड करते हैं, एमटीएस क्वालिफाइड करते हैं, वो उनका जॉब जो है किस डिपार्टमेंट में होते, यह पूरी जानकारी हम देंगे अगला वीडियो में, बशर्ते आपको कमेंट करके बस पूछने। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट आएंगे तो आपको तुरंत ही आपको उसके बारे में हम आप सभी के पास वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि आप जान पाएंगे कि आखिर हमें किस डिपार्टमेंट में एसएससी के एमटीएस में जो होते, किस डिपार्टमेंट में जॉब होते हैं। तो समझ चुके होंगे कि आपका जो तनख्वाह होता है, आपका पेमेंट आपके सिटी पर, आपके डिपार्टमेंट पर डिपेंड करते हैं। आइए दूसरा पॉइंट पर बात करते हैं, दूसरा पॉइंट क्या होते हैं। दूसरा पॉइंट बहुत ही खास पॉइंट है, तो आपको बता दें एसएससी एमटीएस के द्वारा जो भर्ती किए हुए कर्मचारियों के न्यूनतम जो सैलरी होते हैं, कम से कम 16,000 रुपये आपको प्रति महीना मिलेंगे ही मिलेंगे, इतना जान लीजिएगा, 16,000 रुपया मिलेंगे, और अधिकतर अधिकतर जो है 25,000 तक हो सकती है, इससे भी ज़्यादा प्लस जो आपका बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे आप ओल्ड होइएगा, जैसे जैसे पुराना होइएगा, वैसे वैसे आपका सैलरी जो बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि 25,000 ही पेमेंट आपको मिलेंगे, इससे भी ज़्यादा मिल जाए। लेकिन इसके अलावा भी गवर्नमेंट नौकरी में बहुत सारा सुविधा आपको दी जाएगी, तो आइए उन सुविधाओं के बारे में भी हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं। तो अगर एक नज़र डालने की कोशिश करेंगे तो आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर बता दें कि एसएससी एमटीएस ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं। आप सभी को बताया कि यह जो है ग्रुप सी के अंतर्गत जो है यह पोस्टिंग दिए जाते हैं, मतलब आपको 1800 से प्लस प्रति माह ग्रेड पे मिलेगा, जो कि आपकी सैलरी से अलग होगा, ठीक है। ये अलग ही आपको पेमेंट आपको दी जाएगी, यानी कि अलग से पैसा आपको दी जाए, यानी कि आपको जो है पेमेंट आपको मिला झुला के 25 से प्लस प्लस जो है आपका पेमेंट जो है आपका सैलरी जो है पहुंच जाएंगे, याद रखिएगा आपका सैलरी। तो ये जो है आपका तनख्वाह के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, चौथा पॉइंट, तो यहाँ पर बताते दोस्तों कि सैलरी के अलावा सरकार के तरफ से आपको कई अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होगी, जैसे अन्य सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी को मिलती, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी, ट्रेवल फैसिलिटी, आपका क्वार्टर फैसिलिटी, यानी कि तरह तरह का इसमें जो है, जो भी सरकारी जो जॉब करने वाले जो रहते हैं पर्सन, वे सारे पर्सन को जितने भी गवर्नमेंट सुविधाएं मिलती है वे सारे के सारे मिलेंगे। इसके साथ साथ आपके जो परिवार होंगे, आपके मम्मी पापा होंगे, आपके बेटा बेटी जो भी होंगे, उनको भी मेडिकल का सुविधा मिलेंगी मिलेगी।
लोग गवर्नमेंट नौकरी को इसीलिए चूज करते हैं क्योंकि इसमें जो है कुछ होते नहीं, उतना ज़्यादा सैलरी नहीं कमाते, लेकिन इसमें सुविधा जो फैसिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर कोई पर्सन बिजनेस किया जाए तो 30,000 से ऊपर वो कमा सकता है एक बिजनेस करके, लेकिन उसमें वैसा मज़ा नहीं है जैसे कि एसएससी के जॉब लेकर मज़ा है, ठीक है। क्योंकि एसएससी में जो जॉब होते हैं वो सरकारी के तरफ से जॉब होते हैं, और रेलवे से भी अच्छा जॉब होते हैं एसएससी के जॉब, क्योंकि एसएससी का जॉब जॉब होते हैं इसमें हर पर्सन को, हर कैंडिडेट को एक बैच दिया जाता है जिसमें भारत का अशोक स्तंभ का बैच लगा हुआ रहता है, जो कि आपके कपड़े पर, आपके शर्ट पर लगा हुआ रहते हैं। हर किसी को यह जो बैच मिलते हैं, तो इसीलिए रेलवे से भी अच्छा जॉब एसएससी को माना जाता है, लेकिन रेलवे में लोग ज़्यादा इसलिए उसमें प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें इंग्लिश नहीं है। सबसे ज़्यादा मुद्दे की बात है इंग्लिश, क्योंकि भारत में जितने भी बच्चे रहते हैं मैक्स में इंग्लिश भी उनका कमज़ोर होते हैं। आपका इंग्लिश कैसा है नीचे कमेंट लिख कर जरूर बताइएगा। इंग्लिश आपका बहुत अच्छा है, मीडियम है, या काम चलाने के लिए कैसा है दोस्तों आपका इंग्लिश, नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। इस सैलरी को लेकर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे कुछ व्यूवर्स के मन में उठ रहे थे, अगर आपके भी मन में कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट लिखिएगा जरूर। इसके साथ साथ यह भी कमेंट लिखें कि अगर आप जानना चाहते हैं कि किस डिपार्टमेंट में हमारा जॉब होंगे, वो डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल्स से, तो हम आपको नीचे कमेंट लिख कर जरूर बताइए कि हमें डिपार्टमेंट के बारे में बताएं कि किस डिपार्टमेंट में एसएससी एमटीएस की कैंडिडेट को जॉब होते हैं। इसके साथ साथ आप ये बात जरूर कमेंट लिखिएगा कि बिहार की राजधानी क्या है, क्योंकि यह सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इतने आसान का क्वेश्चन जवाब नहीं दे पाएंगे तो एसएससी एमटीएस कैसे निकाल पाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहा, वीडियो कैसे लगे नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।